दोस्तों, समुद्री दुनिया में जितना आतंक शार्क का है उतना किसी और मछली का नहीं है। इसकी हंटिंग स्किल्स और अटैकिंग नेचर इसे और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार बनाते हैं। आपने शार्क की कई सारी प्रजातियों के बारे में सुना होगा, जैसे कि टाइगर शार्क, द ग्रेट व्हाइट शार्क और मेगालोडॉन शार्क, जिसे कि दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक शार्क माना जाता है, जो कि कई करोड़ों साल पहले हमारी धरती से विलुप्त हो चुकी है। पर दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारी रहस्यमय और विचित्र शार्क्स की प्रजातियां समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शार्क की पांच ऐसी ही प्रजातियों के बारे में जो कि समुद्र की गहराइयों में कैद हैं और ज्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं शार्क्स के साथ समुद्री दुनिया का यह अनोखा सफर। नंबर 5, मेगा माउथ शार्क। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस शार्क का मुंह बहुत ही बड़ा होता है और ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, क्योंकि इस प्रजाति की मेल शार्क्स की लंबाई 13 फीट तक होती है, वहीं फीमेल शार्क तो 16 फीट तक लंबी हो जाती है और इनका वजन लगभग 1200 किलो के आसपास होता है। दोस्तों, डार्क ब्लू, ग्रे और ब्राउनिश ब्लैक कलर के शेड में पाए जाने वाली ये मछली ज्यादातर तो गहरे पानी में ही मिलती है, लेकिन कभी कभी इसे पानी के ऊपरी हिस्से में भी देखा जा सकता है। दरअसल ये दिन के समय गहरे पानी में होती है और जब रात में सूरज नहीं होता तब ये भोजन की तलाश में पानी के ऊपरी हिस्से में आ जाती है। इनका शरीर बहुत बड़ा और सर गोल मटोल होता है और यही वजह है कि इनकी पानी में तैरने की स्पीड बहुत ही स्लो होती है। दोस्तों, इनका मुंह इतना बड़ा होता है कि ये कई लीटर पानी एक बार में ही गटक जाती हैं और जब ये पानी को गटकती हैं तब पानी के साथ साथ कई छोटे जीव जंतु इनके पेट में चले जाते हैं और ये उन्हें ही अपना भोजन बनाती है। दोस्तों, ये शार्क की बहुत ही रेयर स्पीशीज है और साल 1976 से पहले तो साइंटिस्ट भी इसके बारे में नहीं जानते थे। नंबर 4, बास्किंग शार्क। दोस्तों, ये दूसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है। इसके आकार की बात की जाए तो ये 26 फीट तक लंबी हो सकती है और इनका वजन लगभग 5000 किलो के आसपास होता है। दोस्तों, इनकी सबसे अजीब बात ये है कि ये ज्यादातर पानी में अपना मुंह खुला रखकर ही तैरती हैं। भले ही ये देखने में डरावनी लगती है लेकिन इंसानों को इनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये शिकार ही नहीं करती। दरअसल इनके मुंह खुला होने की वजह से पानी के साथ साथ कई छोटे मोटे जीव और मछलियां भी इनके मुंह में चली जाती हैं और ये उन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाती है। दोस्तों, इंसानों को भले ही इनसे खतरा ना हो लेकिन इन शार्क्स को इंसानों से बड़ा खतरा है, क्योंकि ये सालों से इंसानों द्वारा शिकार की जा रही है और इसकी वजह है बेशकीमती ऑयल से भरा इनका लिवर, इनकी खाल और इनका मीट, जो कि काफी महंगे दामों में मार्केट में बेचा जाता है। इंसान सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए इन शार्क्स को मार रहे हैं और यही वजह है कि इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। दोस्तों, और अगर इनका शिकार इसी तरह होता रहा तो शायद आने वाले समय में हमें ये शार्क देखने को ना मिले। नंबर 3, गोब्लिन शार्क। दोस्तों, लंबी सी नाक वाली ये शार्क देखने में बहुत ही खतरनाक लगती है। इस शार्क की लंबाई 3 से 4 फीट तक होती है, मगर कुछ गोब्लिन शार्क्स की लंबाई 6 फीट तक भी बढ़ जाती है। गहरे पानी में रहने वाली ये शार्क बहुत ही रेयर है और आसानी से दिखाई नहीं देती। इस शार्क की स्किन का कलर पिंक होता है और ये अपनी लंबी नाक से दूसरे जानवरों के हार्ट बीट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस को महसूस कर लेती है और उनके पास पहुंचकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। नंबर 2, थ्रेशर शार्क। इस शार्क को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों, ये जो इनकी पूंछ में बड़ा सा एंटीना लगा होता है वो दुनिया की किसी और शार्क में नहीं होता। थ्रेशर शार्क की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये तीनों प्रजातियां ही समुद्र के अतः गहराइयों में रहना पसंद करती हैं। दोस्तों, अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो ये शार्क्स लगभग 6 मीटर तक लंबी हो सकती हैं और इनकी पूंछ की लंबाई भी लगभग 6 मीटर के आसपास ही होती है। इन्हें सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए ये अक्सर तैरती ही रहती हैं। दोस्तों, इनकी ये लंबी सी पूंछ इन्हें शिकार करने में बहुत मदद करती है और अक्सर झुंड में रहने वाली मछलियां इनका शिकार बनती हैं। ये अपनी पूंछ को जोर से ऊपर की तरफ इन मछलियों के ऊपर मारती है, जिससे कि कई सारी मछलियां तुरंत मर जाती हैं और बाद में ये शार्क उन्हें खा जाती है। नंबर 1, हैमर हेड शार्क। दोस्तों, हथौड़े के जैसे मुंह वाली इस मछली को हैमर हेड शार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1 से 6 मीटर के बीच होती है और इनके इस चौड़े मुंह का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनकी आंखें और नाक इस कदर फैल जाती है कि इनकी देखने और सूंघने की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इनके देखने का एंगल सिर्फ सामने की तरफ ही नहीं बनता, बल्कि ये एक ही टाइम में ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख लेती हैं। इनका ये चौड़ा मुंह इनकी तैरने में बड़ी मदद करता है।
अक्सर गहरे समुद्र में पाए जाने वाली ये शार्क यूं तो अपने दांतों से अपने शिकार को पकड़ती है, मगर ये कई बार अपने हथौड़े जैसे फेस से भी हमला करते हुए देखी जा चुकी है। इंसानों के लिए इन्हें खतरनाक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इंसानों की प्रेजेंस में इन्हें बहुत डर लगता है।